नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी ने न्यू इंडिया को दिया टेंशन फ्री परीक्षा का मंत्र, कहा बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पांचवें संस्करण में देश भर के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि त्योहारों के बीच में एग्जाम भी आते हैं, इससे त्योहारों का आनंद नहीं ले पाते, लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो उसमें कई रंग भर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेले बिना कोई खिल नहीं सकता, खेलों से हम अपने प्रतिद्वंदी की चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया और मोबाइल गेमिंग के एडिक्शन से बचने के लिए खुद के अंदर घुसें और ऑनलाइन या ऑफलाइन रहने के बजाय कुछ देर इनर लाइन रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन में तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है, पहले भी हमने कई बार परीक्षा दी है तो आप तनाव मुक्त रहेंगे और ये अनुभव आपकी ताकत बन जाएगा। महंगाई का एक और अटैक, 250 रुपए बढ़ी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत। अप्रैल के पहले ही दिन महंगाई का एक और बड़ा अटैक हुआ है। एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 250 रुपए बढ़ा दी गई है। यह बढ़ोतरी 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के लिए की गई है। इसके बाद दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2253 रुपए का हो गया है। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1955 रुपए की जगह 2205 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत 2087 रुपए से बढ़कर 2351 रुपए हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट का खाना महंगा हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में और बेहाल करेगी गर्मी, बढ़ेंगी बीमारियां। मार्च के आखिरी हफ्ते से भीषण गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर व मध्य भारत को अप्रैल में भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल का महीना भी सूखा रहने वाला है और दिन रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं, जिससे पानी और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस महीने पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से सामान्य से ज्यादा गर्म रहेंगे। वहीं गर्मी बढ़ते ही अस्पतालों में डायरिया, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टरों के अनुसार वायरल बुखार इस समय पीक पर है। सीएम पद छोड़कर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों को जेडीयू ने बताया अफवाह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जाने की अटकलों को जनता दल यूनाइटेड ने अफवाह बताया है। अटकलें हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर बिहार में अपना सीएम और जेडीयू से दो डिप्टी सीएम बना सकती है। इन अटकलों को अफवाह बताते हुए जेडीयू नेता और बिहार में मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बातें महज अफवाह हैं और सच्चाई से काफी दूर हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को जारी रखेंगे, वह कहीं नहीं जा रहे हैं। संजय झा ने कहा कि मैं सभी लोगों से इस तरह के दुष्प्रचार से दूर रहने की अपील करता हूं। अमेरिका का यू टर्न, कहा नहीं तोड़ना चाहते भारत रूस की दोस्ती। रूस यूक्रेन में युद्ध के बीच अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की नजरें भारत के रुख पर लगी हुई हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि रूस के साथ हर देश के अपने संबंध हैं और अमेरिका उसमें कोई बदलाव नहीं चाहता है। नेड ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के सहयोगियों के संदर्भ में हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह कर रहे हैं। दुनिया रूस की अनुचित, अकारण, पूर्व नियोजित आक्रमकता के खिलाफ जोर शोर से बोल रही है। भारत सहित तमाम देशों को हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। नेट प्राइस ने ये टिप्पणी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा के दौरान की है। पश्चिमी देशों पर रूसी राष्ट्रपति का पलटवार, आज से रूबल में करना होगा गैस का भुगतान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर पलटवार करते हुए आज से गैस की कीमत का भुगतान रूबल में करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा ना करने पर गैस की आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी जाएगी। पुतिन ने इस घोषणा से अमेरिका के सहयोगी यूरोपीय देशों में खलबली मच गई है। इससे पहले जर्मनी, ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देशों ने रूसी मुद्रा रूबल में गैस मूल्य का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि गैस खरीदारों को अब रूसी बैंक में खाता खुलवाना होगा और गैस मूल्य का भुगतान रूबल में जमा कराना होगा। रूस यूरोपीय देशों की कुल खपत की 40% गैस की आपूर्ति करता है।
बिग बी ने ऋषिकेश में की गंगा आरती, साथ में नजर आ रही रश्मिका मंदाना। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुडबाय की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में हैं। इस दौरान बिग बी ने ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती की। घाट से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में अमिताभ बच्चन परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में अमिताभ बच्चन बड़े ही ध्यान से स्वामी चिदानंद सरस्वती की बातों को सुनते दिख रहे हैं। गंगा आरती के दौरान अमिताभ बच्चन के एथनिक लुक की विशेष रूप से चर्चा हो रही है। अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनके साथ पुष्पा की श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।